दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों बताया जाएगा साइबर कैफे ग्रो कैसे किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैं जो ये तरीका बताने वाला हूँ, लगभग मैं दोस्तों 2 सालों से साइबर कैफे का काम कर रहा हूँ, जिसमें दोस्तों हमको जो एक्सपीरियंस हुआ है मैं उसके हिसाब से बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं साइबर कैफे के साथ साथ शादी कार्ड प्रिंटिंग और दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल एक्सरीज बेचना हो गया या फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, सभी तरह का दोस्तों मैं काम अपने शॉप में करता हूँ, जिसके हिसाब से दोस्तों मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें बताऊंगा कि कैसे आप अपना बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं और कैसे आप अपना काम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यह मैं जो है सो 5 तरीका आप लोग को टोटल में बताने वाला हूं, और दोस्तों जो लास्ट वाला तरीका है ये अगर आप जान गए तो दोस्तों मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर आप कोई भी दोस्तों बिजनेस कर रहे हैं तो आप 100% उसमें सक्सेस होके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहां से मैं सभी को जो है सो एक एक करके बताऊंगा कि कैसे आप लोग को साइबर कैफे का काम को दोस्तों आगे बढ़ाना है, कैसे दोस्तों आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको ग्रो कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला जो हमारा इस लिस्ट में नाम है दोस्तों, कि अगर आप लोग को कोई भी शॉप है उसको ग्रो करना है दोस्तों, तो आप लोग को प्रचार करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों प्रमोशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों प्रचार और प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग को पुराना तरीका से करना है दोस्तों, अभी के टाइम में जो है सो नया तरीके से आप लोग को प्रचार करना है अपने दुकान का, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम में जो है सो मार्केट हो या शहर हो या दोस्तों गाँव हो, दोस्तों हर जगह जो है सो काफ़ी ज़्यादा दुकानें जो है सो खुल चुकी है और यहाँ पे दोस्तों कंपटीशन भी जो है सो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग पुराने तरीकों को यूज करेंगे अपने दुकान को प्रचार करने के लिए दोस्तों, तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे दोस्तों जिस तरह से नया जमाना चल रहा है, अभी डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो दोस्तों उसके हिसाब से आपको डिजिटल प्रचार भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहला दोस्तों आप लोग को प्रचार करना है क्या, दुकान के बाहर दोस्तों आप लोग को पोस्टर लगाना है। अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि ये तो पुराना तरीका है, ये तो पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आपको पोस्टर कैसे लगाना है, काफ़ी लोग दोस्तों पोस्टर लगाने का तरीका ही नहीं जानते हैं कि कैसा जो है सो साइबर कैफे हो या कोई भी काम हो दोस्तों उसमें पोस्टर लगाया जाता है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से है, ठीक है, अगर आप लोग गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपको उस हिसाब से पोस्टर बनवाना है, और अगर आप लोग शहर से है तो आपको उस हिसाब से पोस्टर बनाना है, क्योंकि दोस्तों गाँव में जो लोग रहते हैं उसको आसानी भाषा में समझ में आना चाहिए, और जो शहर में रहते हैं दोस्तों उसको आप इंग्लिश वगैरह में भी लिख के दे दीजिएगा तो उसको जो है सो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा वीडियो देखते हैं वो हर स्टेट के रहते हैं, जैसे कि दोस्तों महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को अपने लैंग्वेज में पोस्टर छपवाना है। यहाँ पे दोस्तों आप अगर गांव में दुकान खोले हैं तो वहाँ जो है सो आपका गांव का लोग ही आपके शॉप में आएंगे, ना कि बाहर का लोग आएगा, तो उसके हिसाब से आप लोग को पोस्टर में छपवाना है। जैसे कि दोस्तों वहाँ के लोग जो सो अगर मान लीजिए आप बंगाली हैं, यानी कि आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं, बंगाल तरफ से बिलोंग करते हैं, और उधर के लोग दोस्तों जिसको बंगाली जो है सो ज़्यादा समझ में आता है इंग्लिश के मुकाबले, तो दोस्तों आप लोग को बंगाली भाषा में ही पोस्टर को आप लोग को छपवाना है, यानी कि दोस्तों जो भी आप सर्विस लिखेंगे उसको बंगाली में ही आप लोग को लिखना है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग एक और पोस्टर छपाएंगे तो आप उसमें इंग्लिश भी लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग अगर देखिए अगर आप लोग को पोस्टर लगाना है अपने दुकान में, तो सबसे पहले दोस्तों आप दुकान का जो है सो फ्रंट साइड पर तो आप लोग को पोस्टर लगाना ही लगाना है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग दुकान आपका रोड साइड में है तो आप लोग को एक स्टैंड बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग का एक एक सर्विस पूरा इस तरह से लिखा रहना चाहिए कि कौन कौन सा आप सर्विस जो है सो प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से दोस्तों अगर आप लिख के और अपने शॉप के बाहर स्टैंड को खड़ा कर देते हैं तो जो भी दोस्तों रास्ते में ए साइड से आए और ओ साइड से आए दोस्तों दोनों को जो है सो पोस्टर दिखेगा बिल्कुल। अगर आप ऐसा पोस्टर रहेगा स्टैंड वाला और दोनों साइड में लिखा रहेगा तो दोस्तों जो भी कस्टमर आएगा उसका नज़र जो है सो दोनों तरफ जाएगा, उधर वाला आदमी आएगा या इधर वाला, तो दोनों को दोस्तों बिल्कुल दिखेगा और कौन सा सर्विस लिखा है बिल्कुल दोस्तों बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहना चाहिए। और वहाँ पर दोस्तों थोड़ा छोटा छोटा जो है सो फोटो भी लगा सकते हैं, उस तरह से आप लोग को बैनर बनवाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बैनर का काम हो गया, बैनर आप लोग को बनवाना है, क्योंकि दोस्तों बिना प्रचार का कुछ भी यहाँ पे काम नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों जो प्रचार करने का अगला तरीका है वो है दोस्तों व्हाट्सएप के जरिए। तो यहाँ पे व्हाट्सएप के जरिए देखिए कैसे प्रचार करना है। अभी दोस्तों डिजिटल इंडिया हो गया, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, पहले कैसा था दोस्तों कि अगर आप लोग किसी को जैसे कुछ ना कुछ भेजते रहे तो दोस्तों वो इग्नोर कर देता था। कैसा है, अगर आप लोग किसी का नंबर में कुछ भी भेज दिए कि हमारे यहाँ आप दुकान का पोस्टर भेज दिए, कुछ भी भेज दिए, पैन कार्ड बनाया जाता है, वोटर आईडी कार्ड, तो दोस्तों वो इग्नोर पे इग्नोर करते जाएगा और आपका मैसेज नहीं देखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अभी के टाइम में क्या करना है, आपके पास कोई
कोई भी कस्टमर आता है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी आप दुकान खोले, कोई भी आपके पास कस्टमर आया जेरोक्स कराने के लिए, लेमिनेशन कराने के लिए, मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए, या फिर दोस्तों कोई भी काम से आपके पास आता है, तो आप क्या कीजिए, उसका दोस्तों नंबर आपको लेना है, ठीक है, कस्टमर का नंबर आपको लेना है जो आपके लोकल एरिया का कस्टमर है, और अपना भी नंबर उसको देना है, ठीक है। नंबर आप उसका लीजिए और आप उसका नंबर दीजिए, और दोस्तों नंबर को सेव कर दीजिए। आप उसका नंबर सेव कर लीजिए और आप उनको बोलिए कस्टमर को कि आप मेरा नंबर को सेव कर लीजिए, और कोई भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारे शॉप में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों जो फ़ायदा होगा, देखिए अभी जो के टाइम में लोग स्टेटस देखना व्हाट्सएप में ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी आप लोग अगर किसी को मैसेज भेज देंगे, भले दोस्तों वो नहीं देखेगा, लेकिन आप वही चीज़ जो है सो स्टेटस में लगा दीजिए, तो दोस्तों वो 100% देखेगा। कोई भी होता है, सभी को दोस्तों आजकल के टाइम में स्टेटस देखने का शौक बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो क्या कीजिएगा, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका आप प्रचार कीजिए अपना स्टेटस में, दोस्तों व्हाट्सएप का स्टेटस में आप लगाइए। वहाँ से दोस्तों मैं 100% बोल सकता हूँ कि कोई भी अगर पर्सन है जिसको आप व्हाट्सएप में मैसेज भेजे हैं, वो दोस्तों नहीं सीन किया है, लेकिन आप स्टेटस में लगा दिए दोस्तों, तो 100% जो है सो मैसेज देखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसीलिए कस्टमर का जो है सो नंबर सेव करने के लिए बोला, और आपको उसका नंबर सेव करने के लिए बोला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग जब भी कोई शॉप का अपना प्रचार करेंगे, प्रमोशन करेंगे व्हाट्सएप स्टेटस में, तो उसको दोस्तों दिखेगा, और दिखेगा दोस्तों तो मन में जो है सो हमेशा बैठा रहेगा। तो मान लीजिए उसको अगर पैन कार्ड बनवाना रहा, वोटर आईडी कार्ड बनवाना रहा, तो फिर दोस्तों जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम करवाना रहा, तो सबसे पहले जो है सो दिमाग में उसका आप ही का दुकान का नाम आएगा, क्योंकि दोस्तों वो डेली वो चीज़ देख रहा है। और आप लोग को डेली हमेशा स्टेटस लगाना है, अगर आप लोग न्यू दुकान खोले हैं तो दोस्तों आप लोग को यह बात जो है सो बहुत ही अच्छे से जानना चाहिए कि हमको जो है सो जितना हम प्रचार करेंगे उतना मेरा दुकान जो है सो चलेगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला तरीका है, वो तरीका है कोई भी दोस्तों नया योजना आता है, अभी जैसे कि कोई भी नया सरकारी योजना आ गया जिसका फॉर्म भरा रहा है, या तो कोई भी काम ऑनलाइन हो रहा है, तो दोस्तों वो आप लोग को कैसे पता करना है, तो दोस्तों उसके लिए आप लोग को सोशल मीडिया में एक्टिव रहना पड़ेगा। दोस्तों आप जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे कि दोस्तों आप साइबर कैफ़े का चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, अगर आप साइबर कैफ़े से काम करते हैं। आप दोस्तों यूट्यूब में देखिए, यूट्यूब में काफ़ी ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, और कोई भी नया योजना आता है दोस्तों तो फट से उसका जानकारी यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो दोस्तों आप उसको सब्सक्राइब करके रखिए। आप खाली टाइम में दोस्तों वीडियो देखिए, वीडियो देखने से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है, और अगर दोस्तों आप वीडियो में कुछ सीख जाते हैं तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई करके देखिए, उसके बाद दोस्तों ट्राई आपका सक्सेसफुल हो गया तो फिर आप अपना स्टेटस में डालिए कि ये नया काम आया है और ये काम हमारे पास होता है। तो ये दोस्तों ये तरीका हो गया। उसके बाद दोस्तों जो अगला तरीका हो गया वो दोस्तों फेसबुक के द्वारा प्रमोशन करना, यानी कि दोस्तों फेसबुक के द्वारा अपने व्यापार का दोस्तों प्रचार करना, यानी कि अपनी बिजनेस का दोस्तों प्रमोशन करना। तो यहाँ पे दोस्तों फेसबुक स्टोरी पे अगर आप लोग कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि कोई भी आप अपना फोटो डाल दिए तो गाना, तो दोस्तों उसमें आप देखते होंगे कि लगभग 500 से ऊपर से व्यूज चला जाता है उसमें, तो उसी में दोस्तों उसी के सहारे आप लोग बैकग्राउंड में कोई भी गाना लगा दीजिए, और आप जो भी दुकान का काम कर रहे हैं उसको आप इधर स्टेटस में डाल दीजिए दोस्तों, स्टोरी में डाल दीजिए। जैसे कि दोस्तों मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ, तो दोस्तों मैं जो भी मोबाइल वगैरह रिपेयरिंग करता हूँ, तो दोस्तों मैं लगभग जो है सो सभी मोबाइल जो है सो एक दो मोबाइल छोड़ के दोस्तों और हर एक मोबाइल जो भी डिस्प्ले चेंज किए, फोल्डर चेंज किए, या फिर दोस्तों हम अपना कस्टमर का पैन कार्ड बनाए, या फिर दोस्तों शादी कार्ड का सीजन रहता है तो शादी कार्ड प्रिंट किए, तो सभी जो है सो मैं फेसबुक स्टोरी में डालता हूँ। इससे डालने से यह फ़ायदा होता है दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके अगल बगल के लोग होते हैं, जो भी आपके एरिया के लोग होते हैं, वो फेसबुक से जुड़े रहते हैं, और दोस्तों उसको पता चलता है कि वहाँ पर एक उसका दुकान में एक काम होता है, तो ये भी आप लोग को करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा सबसे लास्ट में है, जो कि मैंने आप लोग को वीडियो में के पहले ही बताया था कि वो जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो है दोस्तों ईमानदारी और जानकारी, क्योंकि दोस्तों आप कोई भी काम करते हैं तो दोस्तों आपको ईमानदार होकर काम करना है। दोस्तों काफ़ी लोग जो है सो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, और दोस्तों उनका दुकान जो है सो बहुत ही जल्दी बंद हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल ईमानदारी से काम करना है। और दोस्तों जानकारी, जानकारी दोस्तों आपको सभी चीज़ों का जानकारी होना चाहिए, जैसे कि दोस्तों अगर आप साइबर कैफ़े का दुकान खोलें तो आपको सिर्फ साइबर कैफ़े के पीछे ही नहीं पड़ा रहना है, आपको और ज़्यादा जानकारी लेना है अलग अलग चीज़ों का। अगर आप शादी कार्ड प्रिंटिंग कर रहे हैं तो आप उसी में मत रहिए, आप और जानकारी लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका जैसे एक काम है तो वो नहीं चलेगा, और आपका बहुत सारा काम है तो दोस्तों 100% चलेगा। अगर आप दोस्तों मोबाइल का काम कर रहे हैं, आप सिर्फ चार्जर ईयरफोन बेचने पे ध्यान दे रहे हैं, तो दोस्तों वैसा भी आप लोग को नहीं करना है, आपको मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सीखना है,
कि हम मोबाइल रिपेयरिंग का काम कैसे सीखेंगे। और दोस्तों कई तरह का काम है जो आप सीख के और पैसा कमा सकते हैं, और आपको और जानकारी इकट्ठा करना है कि कैसे हम अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों आप लोग को सभी कामों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है कि कैसे हम जो है सो कोई और काम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अपने काम में। यानी कि दोस्तों आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसमें हो सके जितना दोस्तों हो सके उस काम को और आगे बढ़ाइए। जिस तरह से दोस्तों डिमांड है, कस्टमर का डिमांड है, उस तरह से दोस्तों आप लोग काम कीजिए। और दोस्तों आप लोग के पास भी कोई ऐसा सुझाव होगा जिससे साइबर कैफे हो या तो दोस्तों कोई भी बिजनेस हो उसको ग्रो किया जा सकता है, तो आप लोग दोस्तों वहां कमेंट कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग वहां कमेंट करेंगे तो किसी न किसी के लिए दोस्तों वो जो है मददगार साबित होगा वह कमेंट, और उससे दोस्तों उसका थोड़ा सा अगर बिजनेस ग्रो हो जाता है तो इससे दोस्तों और पुण्य का काम और कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।